हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन पाउडर। ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही हेल्दी होता है और ये ड्राई फ्रूट का बना हुआ है। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट मिलाकर के मैंने ये पाउडर बनाया है। ये 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है या फिर इससे भी बड़े बच्चों को भी दिया जा सकता है। छोटे बच्चों जो कि रागी खाते हैं, उपमा खाते हैं, दलिया खाते हैं, उन बच्चों को ये पाउडर दिया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए जो हम रागी बनाते हैं, उपमा बनाते हैं या फिर दाल चावल का पाउडर बना करके उनको एक सेरेलेक देते हैं, उसके अंदर लास्ट में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो आइए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हमें इन सब ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होगी, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मेरे घर में मौजूद थे, मैंने वो सभी ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। मैंने ये सभी ड्राई फ्रूट है वो आधा आधा कप इस्तेमाल किए हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर ली है और कढ़ाई में मैंने मूँगफली के दाने डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को हमें इस वक्त कम रखना है ताकि जो भी सामान हम डाल रहे हैं वो जल ना जाए। आधा कप मैं यहाँ पर अखरोट डाल रही हूँ और आधा कप ही मैं यहाँ पर पिस्ते डाल रही हूँ। पिस्ते यहाँ पर नमकीन नहीं लेने हैं। और आधा कप ही मैं यहाँ पर काजू डाल रही हूँ। आधा कप काजू डालने के बाद मैंने यहाँ पर आधा कप बादाम डाल दिए हैं। आधा कप ही मैंने यहाँ पर मखाने ले लिए हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे। हमें लगभग 7-8 मिनट तक इसको हिलाते रहना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जल ना जाए, इसलिए गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है। इतना ना सेके कि इनका सारा तेल ही ख़त्म हो जाए। इनको बस लाइट सा फ्राई करना है ताकि जो इनकी सीलन है वो निकल जाए और इनमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। तो ये सिक्के तैयार हो गए हैं और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दूँगी। जैसे ये सारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो जाए उस तभी हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में ये सभी ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे और इनका हमें एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। ध्यान रहे कि ये गर्म नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट पाउडर है वो पीस कर तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने इसको दरदरा नहीं पीसा है क्योंकि दरदरा पीसने से ये बच्चे के मुंह में आएगा जो कि बच्चा चबा नहीं पाएगा। तो मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है और इसको एक ड्राई प्लेट में मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए, झटपट बनने वाला प्रोटीन पाउडर तैयार है। इसे हम दलिया के साथ, उपमा के साथ या फिर जो बच्चों को रागी दी जाती है उसके साथ हम 1 चम्मच इसको डाल दें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मेरी बेटी अभी 6 मंथ की है तो मैंने स्पेशली उसी के लिए पाउडर बनाया है। जब मैं उसको रागी बनाती हूँ या फिर दलिया बनाती हूँ, कुछ भी मैं उसके लिए बनाती हूँ, तो मैं 1 चम्मच उसे मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि ये स्वादिष्ट भी बन जाता है और पौष्टिक भी बन जाता है। तो आप भी अपने घर में इस ड्राई फ्रूट पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को एक हेल्दी डाइट दीजिए। ये प्रोटीन पाउडर मैं मेरे 10 साल के बेटे को भी देती हूँ। जब वो दूध पीता है तो मैं उसे दूध भी मिक्स करके ये पाउडर दे देती हूँ। तो आप भी अपने घर में ये प्रोटीन पाउडर ज़रूर बनाइए और अपने छोटे छोटे बच्चों जो कि सारे ड्राई फ्रूट्स खा नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए पौष्टिक सा प्रोटीन पाउडर बना करके उन्हें ज़रूर खिलाइए। इस प्रोटीन पाउडर को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इसे एयरटाइट डब्बे में रखिए। मैंने इसे एयरटाइट डब्बे में रख दिया है और मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये आराम से चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।